सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ वैसे तो बेहद व्यस्त रहते हैं, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल से कुछ वक्त निकालकर वे अचानक अमृतसर पहुंचे, जहां पर उन्होंने दरबार साहिब में माथा टेका। अपने बीच देश के चीफ जस्टिस को देखकर लोग भी बेहद हैरान थे। इसे उन्होंने अपनी धार्मिक यात्रा बताया। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हरमंदिर साहिब में प्रार्थना करना एक बड़े ही सौभाग्य की बात है। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारा देश और पूरी मानवता खुश और समृद्ध रहे। ये एक बहुत ही पवित्र जगह है। यहाँ पर अलग ही सुकून और शांति की अनुभूति होती है। बहुत अच्छा लगा। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज ब्लेसिंग टू बी एबल टू प्रे एट हरमंदिर साहिब एंड आई प्रे दैट यू नो ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी इन आवर नेशन एंड बियॉन्ड बी हैप्पी पीसफुल एंड प्रॉस्परस। दैट इज माय प्रेयर फॉर द ग्रेट डिवाइन हु रूल्स ऑल आवर लाइव्स। फर्स्ट टाइम आए हो सर? नहीं, मैं दोबारा महसूस किया 1975 वर्ष में मैं आया था। स्कूल में था, माँ पिताजी के साथ आया था। इट्स अ वेरी डिवाइन प्लेस, पीसफुल एंड सिटिंग देयर यू नो इन मेडिटेटिंग यू रियली हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। इट्स फॉर एवरीवन टू इम्बाइब दैट एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंड इट। दरबार साहिब आने के बाद उन्होंने यहाँ पर कुछ यादगार पल गुजारे। इस दौरान उनकी सिक्योरिटी के साथ साथ गुरुद्वारे के सदस्यों से कुछ पल की हल्की फुल्की बातचीत भी की और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। सीजीआई चंद्रचूड़ गुरुद्वारे में कुछ देर तक घूमे भी, जबकि आते जाते लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करते रहे। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेहद व्यस्त रहते हैं, उन्हें बमुश्किल ही किसी कार्यक्रम में या कहीं पर आते जाते हुए देखा जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।